देखा 25 अक्टूबर को हमारे इतने सारे मैचेस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहीं पे प्रेडिक्शन कर देते हैं, उसके बाद फिर टीम देखेंगे हम लोग, प्लेयर कौन सा आप नोट कर सकते हो, क्या मैच में देखने मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था लास्ट मैच इनके अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज टूर्नामेंट अगर पूरा डेड होगा तो फिर उसका मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो व्यूअर्स को मजा आएगा ना किसी को आएगा। लास्ट मैच नेपाल ने एकदम मजे के स्टाइल में जीता, ठीक है। तो ये मैच भी मेरे को अच्छा होना पसंद है। अभी तक हांगकांग एक भी नहीं जीती है। टेबल ट्रिक के हिसाब से देखोगे तो आपको यूएई के साथ रहना, जो टीम हारती है हमेशा हारेगी, सेम नेपाल के साथ जैसा मैंने पहले बोला है। तो इसमें हो सकता है कल का मैच भी आपको देखने अच्छा मिल जाए, ठीक है। देखिए अच्छा तभी मिलेगा जब हांगकांग पहली बैटिंग करेगी, ठीक है। डिफेंड पे ही आपको कुछ मजा मिल सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना होता है लो ग्रेड की टीम चेस जो करती है वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर फिर भी किसी भी सूरत में मैच अच्छा आपको मिल सकता है, ठीक है। हमारी फाइनल टीम इसमें यूएई ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला मैच अभी चल रहा है तो मैं इसको प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, पहले मैं देखना चाहता हूँ सारे प्लेयर्स किस तरीके से खेल रहे हैं, क्या पोजीशन है सबकी, उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कि मेरी कौन सी टीम रहेगी सेकंड टी20 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इनके सारे प्लेयर्स मैं देख लूँ, जैसे मैंने बोला जीजे स्मिथ आपकी, जेन फ्राइलिंग किस हिसाब से खेल रहे हैं इंटरनेशनल में, और जिम्बाब्वे में एक्चुअली में कौन खेल रहा है प्लेइंग 11, ठीक है। अब देखिए पर्थ और होबार्ट का मैच है, ये मैच भी अच्छा बन सकता है। होबार्ट में प्रॉब्लम क्या है, लास्ट मैच में इनके दो मेन प्लेयर्स नहीं खेली, इनको आइए उधर ही डिस्कस करेंगे। इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया ही रहेगी, ठीक है। बाकी ये दोनों का भी हम लोग वो देख लेंगे एक बार टीम, उसके पता नहीं कितने सारे मैचेस रहते हैं, बारिश होती है सब बेकार हो जाते हैं, वही प्रॉब्लम है। बाकी ये वाला टूर्नामेंट अच्छा रहेगा, जैसे मैंने अपने एडवांस वीडियो में बताया है ठीक आपको वैसे ही पकड़ना है, ठीक है। जो बोला है वहां आप जाके सुन सकते हो, अगर आपको शॉर्ट में सुनना है तो ये टूर्नामेंट डिफेंड टूर्नामेंट माना जाएगा। दोनों की टीम की बॉलिंग एकदम टॉप क्लास है। पाकिस्तान अगर पहली बैटिंग करती है तो आप रिस्क उठा सकते हो बांग्लादेश विन पे, बिकॉज इनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉग है कि इनकी हालत खराब कर देंगे रन बनाने में। बांग्लादेश में मैच हो रहा है, बांग्लादेश की पहली बैटिंग है तो आप वेट करिएगा, अगर ये पूरा 20 ओवर खेल लेते हैं तो आपको मैच अच्छा मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की भी बॉलिंग अच्छी है और बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है बैटिंग उनकी, उनके पास सिर्फ एक ही प्लेयर है निगार सुल्ताना जोटी, ठीक है। तो आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट टेबल के हिसाब से। अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ चारों मैच में आपको रहना है, किसी के साथ भी हो मेरे को मतलब नहीं, ऐसे में भी इंडिया के साथ आपको रहना ही था, बट चारों मैच आप मरी से मरी सिचुएशन में भी अगर हारेंगे भी तो आपका काम हो जाएगा, बस याद रखिएगा। अभी ऐसा हो गया है कि कोई भी टीम का जीरो नहीं है, बट कोई ना कोई टीम तो एक मैच जीतेगी कुछ। अब इन सब में कौन सी टीम वो होगी मेरे को नहीं मालूम, वो देखना पड़ेगा। अभी तो कुछ है नहीं, अभी देख लेते हैं। बाकी इन सब में भी मेरे को कुछ ऐसा बोलना नहीं है। अगर पॉइंट्स टेबल यहाँ पे अगर आपको कुछ ट्रिक वगैरह देखना है तो खुद से देख लो, इस सब मैच में उतना कवरअप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा जिसका जीरो है वो सारा हारेंगे, ठीक है। जो अब इन दोनों में कौन सी टीम बढ़िया है ये वाली, क्योंकि एक भी नहीं हारी, आपको लॉस देखना है कि एक भी ना, एक नो रिजल्ट है, तो ये वाला सारा नहीं जीतेगी, जीतेगी सारा आपका TNT, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में देना है। और आपका WBBL में ब्रिस्बेन हीट, लास्ट के वीडियो में भी मैंने बोला था पूरे टूर्नामेंट में आप ब्रिस्बेन हीट के साथ रहोगे, क्योंकि सिडनी थंडर सारा नहीं जीत पाएगी, हाँ हीट जीत सकती है। और सिडनी सिक्सर्स जो है आपका जीता हुआ मैच हारेगी, जैसे वो हार रही है पिछले 3 मैच से, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं इंडिया, ये देखिए टीम अच्छी है नेदरलैंड्स, नो डाउट। लास्ट मैच में भी श्रीलंका की इन्होंने बैंड बजा दी, ठीक है, काफी अच्छी टीम है। मेरे हिसाब से सिराज अहमद को लेना चाहिए, जो इनके लेग स्पिनर है उनको नहीं लेकर के पता नहीं, बाकी ठीक है, ऐसे कुछ बोलना नहीं है, हमारी टीम यही रहेगी। 100 नॉट देख लीजिएगा, शायद डेविड वार्नर ने भी 100 मारा है, मिचेल मार्स ने भी 100 मारा है, ऐसा नहीं है बेटा, मतलब ऐसा नहीं है साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहे हैं, तो ये बैंड बजा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। किस पिच पे मैच हो रहा है, किस हिसाब का सिचुएशन रहेगा, अगर इसमें कुछ रहा तो मैं वहां बता दूंगा, ठीक है। यहां ये मैं बोल दूं नेदरलैंड्स का कोई सेंस नहीं बनेगा, पागल बेवकूफी होगी, हो तो आपको भी मालूम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आपको रहना, हालांकि ऑस्ट्रेलिया काफी पुअर लग रही है, सेम जैसे इंग्लैंड काफी पुअर लग रही है, पर फिर भी 100 नॉट का कैंडिडेट्स ये रहेंगे। पहली बैटिंग करके अगर अच्छा स्कोर बना देते हैं तो थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डबल 100 नॉट की ट्रिक लग रही है, पर फिर भी टीम ऑस्ट्रेलिया रहेगी। इसमें मैं जो भी रहेगा आपका कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, ठीक है। इसमें अगर आपको नहीं वो वाला वीडियो देखा हो तो इनके पास 1, 2, 3, 4 एकदम टॉप क्लास के प्लेयर हैं, ये दोनों की वापसी हुई है और इन्हीं की वजह से ये फाइनल मतलब वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए, ये दोनों कंटिन्यूस एक साल से चोटिल थे। इसके अलावा लॉफ्टी एटियन भी अच्छा क्रिकेटर है, इनकी बॉलिंग कमजोर है, बहुत अच्छी बॉलिंग इनकी नहीं है। बेनाल्ड स्कोल्टज अच्छी लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, बाकी इनकी टीम तो भाई आपको मालूम ही है, सब बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, अच्छी टीम है इनकी और बढ़िया खेल रहे हैं सब, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं अब हांगकांग, ये वाला मैच अच्छा बन सकता है। इसमें मेन प्लेयर इनके मोहम्मद वसीम रहेंगे, भले नेपाल सारा जीत गए, अगर ये फाइनल में टिक जाएंगे तो अकेले जिता देंगे। बाकी इनकी टीम एवरेज लग रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिल हमीद को बॉलिंग ही नहीं दे रहे, बल्कि ये बहुत क्लास बॉलर है, ठीक है। लास्ट मैच में भी इसको बॉलिंग देनी चाहिए, अगर ये बॉलिंग नहीं देंगे तो इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी इनकी टीम तो पूरी टीम अगर आप देखोगे तो बाबर हयात पर डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं एहसान खान पर डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों टिकते हैं तो टीम अच्छा करती है, नहीं तो टीम अच्छा नहीं करती है, ठीक है। बाकी पर्थ और होबार्ट में देखिए निकोला कैरी को खेलना चाहिए, वो क्यों नहीं खेली मेरे को खुद को नहीं मालूम। इसके अलावा इनकी एक और प्लेयर कोई बाहर बैठी थी, एलिशा विलानी को भी खेलना चाहिए, ठीक है। इनकी टीम अच्छी है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, बट ये सबको खेलना पड़ेगा, ये सब बेकार बेकार प्लेयर, पता नहीं कितनी खराब बॉलिंग कर रही थी, कौन है, इन सबको हटाना पड़ेगा और इनको लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, इनकी टीम का मेन यही मैं बोल रहा हूँ, बेथ मुनी फॉर्म में नहीं है, लॉरेन मिडफील्ड तेज खेलती है, अच्छा सिलेक्शन है, कल नेटलिस कैरियर ब्रंट भी खेल सकती है सुनने में आ रहा है, पर मेरे को नहीं मालूम वो खेलेगी नहीं खेलेगी। तो टीम अच्छी हो गई उन सबकी वजह से, ये टीम पर कहीं से भी खराब नहीं है। जैसा मैंने अपने पहले भी बोला, तस्मानिया सारा मैच जीती है और ये कल पर्थ को मोस्ट प्रॉब्ली मेरे
हिसाब से कल एक अच्छा ऑलराउंडर होना चाहिए, कल हमारी टीम होबार्ट ही रहेगी, ठीक है। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसा मैंने बोला है कि इनके पास एक दो तीन टॉप के स्पिनर है, निराधार भी अच्छी, और इनकी तो भाई पूरी टीम ही टॉप क्लास है, ठीक है। इनके सारे के सारे मरूफा अख्तर से लेकर इनकी बॉलिंग आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है पूरे ग्यारहों जितने भी वुमेंस में खेल रहे हैं, सबसे बेस्ट बॉलिंग अगर किसी की है तो बांग्लादेश की है, ठीक है। ये इंडिया की हालत खराब कर चुके हैं, सबकी हालत खराब कर चुके हैं, पर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक बल्लेबाज को छोड़कर किसी को बल्ला भी नहीं पकड़ने आता, इतनी पुअर ये लोग खेलते हैं। अभी अगर बैटिंग अपनी स्ट्रांग करेंगे तो कहीं जाकर के ये मैच और जीत सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये जितना भी बनाते सामने वाली टीम की हालत खराब करने के केपेबल है, ठीक है। हाँ, बाकी ये सब तो देखिए अब बारिश वगैरह हो जा रही है, अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप मेरे से पूछोगे ऊपर ऊपर से अगर देखें तो टेबल ट्रिक देख लीजिएगा, अभी मैं टेबल वाला देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बारबेडोस और विनवर्ड, और बारबेडोस और विनवर्ड, और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ कैंपस, ठीक है। तो आइए देख ही लेते हैं, अब जब कर ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं, ठीक है। इसमें आपकी विनवर्ड और जमैका ने एक भी नहीं जीता, कौन सी टीम एक को नहीं जीतेगी वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो विनवर्ड एक भी नहीं जीती है तो इसमें हमारी टीम डायरेक्ट बारबेडोस रहेगी, ठीक है। जमैका ने एक भी नहीं जीता अभी तक, तो हालांकि वेस्ट इंडीज़ ये तो एकदम और ही खराब टीम है, ठीक है। तो हमारी टीम इसमें जमैका ही रहेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से विनवर्ड सारा हारना चाहिए, और बाकी कैंपस और गयाना का अगर आप बात करो तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो हमारी टीम गयाना रहेगी, ठीक है। तो गयाना, जमैका, बारबेडोस, गयाना, जमैका और बारबेडोस, यहाँ फटाफट इसको गोला कर लेते हैं, गयाना, जमैका, बारबेडोस, ठीक है, ये तीन हो गया। इसमें मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, ठीक है। पर फिर भी मैं ये बोलूंगा टूर्नामेंट में अगर नामीबिया चेस कर रही है तो नामीबिया मैच विन कर सकती है अच्छा खासा, क्योंकि इनके पास बैट्समैन है, ठीक है। इट्स अ चेजिंग टीम मोस्ट प्रोबेबली, अगर गेन फ्राइलिंग वगैरह बॉलिंग भी करते हैं वो मेरे को पहला टी20 खत्म हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं, क्योंकि कई बार वो बॉलिंग वगैरह नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें देखिए एज सच आपको वही करना है जो मैंने बोला है, इसमें मैं बता नहीं सकता, ठीक है, पर आप पाकिस्तान के साथ रहो, बट जो मैंने बोला है वही करिएगा, ठीक है। पाकिस्तान पहली बैटिंग करती है तो बांग्लादेश पकड़ सकते हो, बांग्लादेश पहली बैटिंग करती है तो वेट कर लीजिएगा, कुछ मिलेगा नहीं ऐसे में भी आपको, ठीक है। और इसमें हमारी टीम होबार्ट रहेगी, और इसमें यह मैच अच्छा बन सकता है, पर हमारी फाइनल टीम तो UAE ही रहेगी, ये मैच अच्छा बन सकता है, याद रखिएगा। कल को अगर आपको करने का मन है तो काफी सारे मैचेस, और देखिए बहुत दिन से मैचेस जो है वन साइडर हो रहे हैं, तो अब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि लाइन से उड़, मतलब अच्छे मैच भी बने हैं बट अनएक्सपेक्टेड वो बने हैं, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान चेन्नई में जाकर के वन साइडेड पाकिस्तान को हराते ही नहीं मान सकता, एक्चुअली मैं कोई भी जो एक्चुअल क्रिकेट देखता होगा वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। विकेट्स तो गिरते हैं, पाकिस्तान भले ही थोड़ा सा डाउटफुल है उनकी बॉलिंग, पर इतने भी खराब नहीं है, ठीक है। तो मैच अभी लाइन से 25, 26, 27, 28, 29 पांच दिन प्लस उसके बाद वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, मंथ का एंड शुरू हो जाएगा, तो आपको मालूम है वहां उल्टे मैचेस उड़ेंगे जैसे हर महीना होता है, इस बार मैं दूंगा अभी आपको, पर ये पांच दिन मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं अभी से ही आपको तगड़े मैचेस देखने मिलेंगे, भले ही अभी लास्ट का एक वीक खराब गया हो उसमें मैचेस काफी वन साइडर रहे हो। अब ये जो मैचेस होंगे मैं ये समझता हूं इसमें लाइन से आपको एक से बढ़कर एक हो सकता है, एक पैसे का, पांच पैसे का आपको मोटा जैकपॉट मिल सकता है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहना इस पांच दिन में, अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी मैं चलता हूं।